क्या आपको पता है एक ऐसी जगह है जहाँ पर होटलों के मामले में कंपटीशन चलता है और एक ऐसा जीव जो कि कुछ समय तक ही जीवित रहता है और क्यों इस इंसान ने अपने ब्रेन में एंटीना प्लांट करवाया, जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर वन, कोरोना काल में भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान 295 बोगियों को इंजन की सहायता से जोड़कर सबसे लंबी ट्रेन 3 किलोमीटर तक तैयार की थी और इस ट्रेन को छत्तीसगढ़ के भिलाई से लेकर कोरबा तक चलाया गया था, जिसका नाम वासुकी रखा गया था। नंबर टू, आपने कई बड़े लग्जरी होटलों में डिनर और पार्टी किए होंगे, पर क्या आप जानते हो एक ऐसा होटल जो कि हवा में बनाया जाता है जिसे डाइनिंग इन द स्काई कहते हैं। इसको वायर के थ्रू कसकर एक शेप के रूप में बनाया जाता है और इस तरह के होटल रेस्टोरेंट बहुत कम ही बनाए गए हैं। नंबर थ्री, भारत में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली कंपनी रिलायंस कंपनी है, जिसकी एक मिनट की कमाई लगभग 10 से 15 लाख रुपए, इसलिए इंडिया के सबसे अमीर आदमी अंबानी है। नंबर फोर, दुनिया में सबसे ज़्यादा होटल न्यूयॉर्क में है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ इतने सारे होटल है कि सभी होटलों में जाते जाते आपकी उम्र तक बीत जाएंगी, इसलिए यहाँ पर न्यूयॉर्क में होटलों के मामले में कंपटीशन चलते रहता है। नंबर फाइव, मिले दुनिया के सबसे पहले इंसान से जो आधी मशीन और आधा इंसान है। दरअसल ये इंसान अपने इंसानी जन्म से लेकर कलर को देख नहीं पाते थे और इसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने डॉक्टर की सहायता से अपने ब्रेन में एंटीना का प्लांट करवाया था, जिसकी सहायता से ये इंसान किसी भी कलर और आसपास मौजूद वाईफाई ब्लूटूथ सिग्नल को आसानी से कैच करता था और सबसे कमाल की बात, ब्लूटूथ में बजने वाले सॉन्ग को भी आसानी से सुन सकता था। नंबर सिक्स, ये है दुनिया का सबसे कम समय तक जीने वाला जीव, जिसे मेफ्लाइज के नाम से जाना जाता है। और सबसे हैरान की बात, यह जीव सिर्फ 24 घंटे तक ही जीवित रहता है।